तो आज के इस नेक्स्ट पार्ट में WPS MS Office यानी कि हम आज सीखेंगे MS Word में काम करना। तो यहाँ पे ओपन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं आपको पहले तो वो बता देता हूँ। हमने इसका पार्ट वन बनाया था जिसमें मैंने आपको सारे होम टूल्स सारा समझा दिया था। तो आज के पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहला चीज तो ये, तो देखिए हम सबसे पहले तो सीखने वाले हैं कि हमने होम पूरा पूरा सिखा दिया है, अब फाइल भी पूरा पूरा सिखा दिया है, अब सिखाने वाले हैं हम इंसर्ट का पार्ट सिखाएंगे, पिक्चर लेना, सेव लेना, सिग्नेचर, कमेंट, टेबल, ये सारा कुछ जो है व्यू के अंदर जो भी टूल्स आते हैं वो सारा सिखाएंगे जो है, बस रिव्यू और रिव्यू। तो ये दोनों हमारे जो है टैब 3 जो है इम्पोर्टेंट्स है, और इसके अंदर का जो भी फीचर्स आते हैं वो सारे हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट पर चलेंगे। इंसर्ट में हमें दिया हुआ है पिक्चर। देखिए पिक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिक्चर दो तरह से लिया जाता है, एक तो हम अपने मोबाइल से लेते हैं और दूसरा हम इंटरनेट के थ्रू लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टूल दिया हुआ है, हमने क्लिक कर दिया, तो मैं यहाँ से क्लिक करके कोई भी पिक इसमें से उठा सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाला पिक टिक कर लिया, ये मैंने ओके कर लिया, तो यहाँ पे मैंने ये पिक लिया है। इसको छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा चाहो, ठीक है ना। और इसको वायर अप ऑप्शन कर सकते हो। इसके अंदर देखो दो तीन चीजें और दी है नीचे के टूल में यहाँ पे, जिनको समझेंगे। पहले क्रॉप है, क्रॉप की मदद से आप इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। डन करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ एडिटिंग मोड में से वापस आ चुके हैं, तो फिर से वापस जाएंगे एडिटिंग मोड में। अब वापस आने के बाद पिक्चर को टिक करेंगे, रोटेट दिया हुआ है, रोटेट आप कर सकते हो इस पे। ये सिर्फ क्लिक करते जाओ, ये रोटेट होता जाएगा पिक्चर ऑटोमेटिकली। पिक्चर को हम रोटेट करने के बाद में ये पिक्चर ऐसे बड़ा कर लेंगे। रोटेट करने की अगर हम बात करें तो देखो हम एक इधर ले आते हैं, ये भी रोटेशन दिया हुआ है। यहाँ से भी हम अपने हिसाब से कस्टम रोटेशन कर सकते हैं, ये कस्टम रोटेशन के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है रैप करना। रैप माने क्या होता है, जब टेक्स्ट चारों तरफ होता है तब हम रैप करते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले आपको क्या करते हैं, कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं, और कंटेंट में देखो कैसे लाता हूँ यहाँ पे, ये भी सीखने की जरूरत है आपको। बीचों बीच बटन प्रेस कर दीजिए। अब आप चले जाइए अपने मैप के ऊपर, अपने ब्राउजर में जाइए, यहाँ पे न्यूज का है, मैं ये वाला ले लिया न्यूज। यहाँ से मैं कुछ न्यूज का हिस्सा कट कर लूंगा, मैंने टिक कर रखा है, देखो ये सेलेक्ट होने से चालू हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप देखता हूँ कहीं बड़ा कंटेंट हो, थोड़ा सा यहां से मैं ले लेता हूँ, ये इतना ढेर सारा हिस्सा यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में वापस फिर अपने पे आऊंगा, यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, देखिए कंटेंट आ चुका है। अब जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, इसमें रैप ऑप्शन पे टिक मारोगे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह का रैप दे रखा है। ये इनलाइन है, इनलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट उसके किनारे आएगा। टॉप बॉटम मतलब हुआ कि टेक्स्ट ऊपर और नीचे आएगा। स्क्वायर मतलब देखो कि पिक्चर उसके स्क्वायर के शेप में आने लग गया। इन फ्रंट पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आएगा, बिहाइंड पिक्चर नीचे आएगा। तो इतने चीजें दी हुई हैं, अब जरूरत कहाँ पड़ती है। इनलाइन माने होता है उसी लाइन में आना, छोटा कंटेंट करना हो तो इनलाइन की नहीं स्क्वायर की ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोटेटिंग कर लेता हूँ क्या। अब इसको आप जहां भी रखोगे आराम से ये कंटेंट पूरा इसके साइड साइड में आ जाएगा जो, ठीक है ना। तो ये रोटेट कर सकते हो। रैप करने के बाद में सेव पिक्चर को सेव दोबारा करना चाहो अपने मोबाइल के अंदर तो सेव कर सकते हो। हटाने के लिए डिलीट बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से ये सारे टूल आप पिक्चर के हैं, पिक्चर जैसे हटेगी अलग क्लिक किया तो वो सब गायब हो जाएगा टूल। वह टूल तभी दिखेंगे जब हम इस पिक्चर को सेलेक्ट रखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये टूल तभी आते हैं जब हम पिक्चर को सिलेक्ट रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वाले में। ओके, तो हम चलते हैं इंसर्ट में, कैमरा टूल में ले लेता हूं। यहां से कैमरे से पिक्चर लेने का, देखिएगा ये पिक्चर आ रही है कैमरे से, तो आप डायरेक्टली कैमरे का पिक्चर भी ले सकते हो यहां से, ठीक है। इस तरीके से हमने
ये पिक्चर ले लिया, ये वाली पिक्चर हम डिलीट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये वाली पिक्चर को टिक मारा मैंने, रैप में गए और हमने इसको स्क्वायर ऑलरेडी लगाई है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब इस पिक्चर को हम जहां मर्जी चाहे वहां रख सकते हैं, छोटा करके रखना चाहे छोटा करके रख ले, जिधर रखेंगे उधर ही आ जाएगा ये कंटेंट अपने आप में। चलो नेक्स्ट टूल देखते हैं कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स है। देखो कहीं भी टेक्स्ट अगर लिखना हो तो आप इस टूल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं टॉप में इस टेक्स्ट को लिखने के बाद अलग क्लिक करूंगा तो ये छोटा कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना। दूसरी बात है, हम इसको उठा करके इस पिक्चर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन और कोई माध्यम नहीं है कि हम टेक्स्ट की मदद से लिख पाए। पिक्चर के ऊपर लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। इस वाले में भी आपको कुछ दिया हुआ है टूल्स, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। एड टेक्स्ट रोटेट करने का है, वायर अप दिया हुआ है, थ्रेड दे रखा है इसके अंतर्गत है, लाइनिंग कैसी आनी चाहिए तो यहाँ से आप जैसा लेना चाहोगे वैसा ले सकते हो, नो लाइनिंग तो लाइनिंग गायब हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा जूम भी करोगे हल्का सा, देखो यहाँ पे ये हम बड़ा कर लेंगे तो ये हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर लिखा भी है कि नहीं लिखा हुआ है, पिक्चर भी गायब होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे इस टूल का। अगले टूल की तरफ चलेंगे तो इसमें है सेव टूल। सेव टूल में ऑलरेडी पावर पॉइंट में बता चुका हूं, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो दोबारा हम आपको आइडिया दे देंगे बस। खाली यहाँ पे आप देख रहे हो इसके, इसे आप बड़ा कर लो छोटा कर लो, वही फीचर इसमें भी दे रखा है सारा का सारा कुछ जो है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ इसमें और है नहीं, टूल में बस इतना ही है इसके अंतर्गत जो है। लेकिन आप जब ड्राइंग पे जाएंगे, देखो इसको टिक रखेंगे तो ड्राइंग दिया हुआ है, रोटेट डिलीट यहाँ भी वो टूल दिए हुए हैं, कलर वलर आप चेंज कर सकते हो लाइनिंग का, यहाँ पे लाइन की मोटाई वगैरह पतला मोटा यहाँ से ये भी कर सकते हो आप जो है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने का दिया हुआ है, कुछ आप टेक्स्ट ऐड पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये टूल हमें आगे बढ़ाएंगे। अब हम सेव टूल, सेव टूल में अगर हम देखें तो इसके अंदर भी कई तरह के सेव दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो भी सेव दिए हुए सारा यूज करके देखिए, बनाने का प्रयास करिए यहाँ पे, ठीक है ना। सारे सेव दे रखा है, इस सेव की मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ना, इसको कम ज्यादा जितना घटाना बढ़ाना चाहो घटा बढ़ा सकते हो। ध्यान से देखना इसको, ये है ठीक है। थोड़ा सा आज गला खराब है, वैसे मेरा साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब यहाँ पे तो ये लो, अगले टूल पर चलते हैं। भी सेव के बाद में सिग्नेचर टूल दिया हुआ है, सिग्नेचर यहाँ से हम क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है अपने हिसाब से, ठीक है ना, इसको हमने कर लिया डन। आप देख रहे हैं ये मेरा सिग्नेचर यहाँ पर रेडी हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सिग्नेचर अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर क्रिएट करने के बाद में इसमें आपको अगला टूल आएगा कमेंट, तो सिग्नेचर हटा देता हूं, कमेंट टूल पर चलते हैं। अगला टूल जो हमारा है इंसर्ट के अंदर, कमेंट मैंने पावर पॉइंट में बताया था वैसे ही इसमें भी कमेंट है, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे कमेंट आपका जो भी लिख दोगे वो यहाँ लिख जाएगा, अलग क्लिक करोगे वो दिखता रहेगा। कमेंट का काम क्या होता है, कमेंट का काम यह होता है कि किसी चीज के बारे में कुछ हिंट देना चाह रहे हो, पेज में मान लो 500 चीजें हैं आपकी, कुछ अलग से बताना चाह रहे हो उसके बारे में कि ये इसमें करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है उसके बारे में अलग से बताना चाह रहे हो तो आप बता सकते। अभी एक कॉल आ रही है, मैं पहले कॉल को
अब हम लगाएंगे कमेंट यहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें कमेंट काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे कमेंट कैसे करेगा, यहाँ से इसको हटा देंगे। फिर से हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, कमेंट ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको कमेंट की, आप जो भी टाइप कर दोगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। कमेंट के बाद में एक्चुअल में यहाँ से हमारा वीडियो पॉज हो गया था तो दोबारा चालू करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो फीचर है कमेंट के बाद में टेबल लगाना, ये सबसे जो जरूरी फीचर है, ज़्यादा अच्छे से समझना है इसको है टेबल को। यहाँ पे देखो टेबल का फॉर्मेट दे रखा है ये दो तीन, तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ से हम प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉलम रो सही से चल रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस डिलीट करने का है, टेबल की प्रॉपर्टी कट कॉपी पेस्ट है, टेबल को डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा जो है, ठीक है ना। और डिलीट के बाद में देखो यहाँ पे अगर अनडू कर दो वापस आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे क्लिक करोगे तो इसकी टेबल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी में आप हेडर रो लगा दो तो देखिए इसे होने वाला क्या है। टेबल का अगर आप हेडर रो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ओके कर लिया तो ये इस तरीके से यहाँ पे हेडर रो लग जाएगा। ये ऊपर वाला हल्का जो कलर आ रहा है इसको हेडर रो बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट राइटिंग करने का। तो जैसे कि नेम, क्लास और फोन नंबर ले लिया, और ईमेल ले लो, ऐसे एड्रेस ले लिया। इस तरीके से हमें क्या करना है कि स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड बनाना है तो यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे, ठीक है ना, जो भी नाम है, ठीक है। और यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया हमने, जो भी नंबर डालना है 10 अंक, ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ऐसे ही आपको पूरा डेटा बनाना है जो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे पूरा कंटेंट भर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा टेबल का, ठीक है ना। टेबल में कुछ और देख लेता हूँ तो छूट नहीं रहा हो। तो आई होप कि टेबल में लगभग बस इतना ही है और तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये टेबल लेने का दूसरा तरीका यहाँ पे है ना, ठीक है ना। मैंने वहां से ले लिया था टेबल, यहाँ से अगर आप कह रहे हैं कि इधर से आप रो की संख्या बढ़ा भी सकते हो, कॉलम की संख्या इधर से बढ़ा सकते हो जो, ठीक है ना। कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो इधर से, जो है जितना आपको रखना है उतने आप यहाँ पे कॉलम की संख्या घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। तो इतना मैनेज करके ओके कर रहा हूँ। तो ये किसी सेल में अगर कर्सर था तो उसी सेल के अंदर भी आ जाएगा, अगर किसी सेल में था तो उसी सेल के अंदर आ जाएगा यहाँ पर अपने आप से कर्सर। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे इंसर्ट करके भी हम ला सकते हैं टेबल को। ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज लाना, तो मैंने ब्लैंक पर क्लिक कर दिया तो एक खाली पेज आ जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पे जो ये वाला है ना इंटर, इसको इंटर बोलते हैं, इसको बार बार इंटर करते जाओगे तो जब लास्ट पहुंचोगे तो अपने आप एक नया पेज खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे करो इंटर, ठीक है ना। तो आप आसानी से ऐसे ही करके ला सकते भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे ब्लैंक के बाद में पेज की नंबर, पेज नंबर देखो, पेज में नंबर जो आता है ना वो फुल टेक्स्ट, इसमें कुल टेक्स्ट की संख्या कितनी है, जैसे इसमें टेक्स्ट कितने हैं कुल, जैसे लिखोगे यहाँ बढ़ता चला जाएगा जो, ठीक है। अब पेज नंबर की बात आती है, तो पेज नंबर किसे कहते हैं, देखो थोड़ा सा मैंने इसमें लगा रखा ऑलरेडी, ये पेज नंबर होता है कोर्स वन, ठीक है ना। तो इसको पेज नंबर बोलते हैं, जैसे पेज नंबर आपका आ जाएगा, वो बुकों में जो पेज नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं कंटेंट को तो समझ में आएगा कि पेज नंबर क्या है। तो चलो पेज नंबर मैं लेता हूँ, यहाँ पे करके देखता हूँ। पेज नंबर पे क्लिक कर दिया, फुटर में लगाना है कि हेडर में लगाना है, जहाँ पे लगाना है वहाँ सेट कर लीजिए। यहाँ से लेफ्ट लगाना है कि राइट लगाना है, मैंने लेफ्ट कर लिया। इसको कैसे लगाना नंबर में, कौन सा फॉर्मेट स्टाइल लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लगाना है, इन्होंने चाइनीज वगैरह भी दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे लगाना है ये वाला नंबरिंग, तो इस तरह लगा दिया। कहाँ से स्टार्ट करें, पहला नंबर से दूसरा, जो भी आप दे दोगे वहीं से स्टार्ट कर देगा। ओके कर दिया हमने।
तो अब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आ रहा है यहाँ पे। ये प्रैक्टिकल करके खुद देखोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि कहाँ पे आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। ये जो आ रहा है ना लेफ्ट में, इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलता जाएगा जो है हेडर फुटर। यहाँ पे देखो आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ऐसे हेडर फुटर ही है एक तरीके का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो हेडर फुटर ही है, तो हेडर फुटर को देख लेते हैं क्या है। हेडर मतलब होता है कि पेज का ऊपरी हिस्सा, और फुटर माने होता है नीचे वाला। तो जो हमने यहाँ पर ट्रिपल सी लिख रखा है, यहाँ पर ट्रिपल सी कोर्स, ये हमारा फुटर है जो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी ये हेडर वाला हिस्सा इसमें दिख रहा है, और फुटर वाला हिस्सा हमारा इधर वाले का होगा, ये फुटर वाला। अब जो भी लिख दोगे वो सभी पेज पर हेडर फुटर चला जाएगा। एक जगह लिखोगे हर जगह चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आधे साइट लिख दिया मैंने। तो अब ये क्या हो रहा वाला है, यहाँ पर देख सकते हो आप जो, ठीक है ना, कि ये पूरा तो हो ही गया लगभग लगभग। चलो अब हम डन कर देते हैं। आपने देखा राजे साठी मैंने यहाँ पर लिखा है, राजे साठी यहाँ पर भी लिख गया अपने आप से, इस पेज में भी लिख गया अपने आप से। तो ये क्यों लिख गया, हेडर फुटर अपने आप लिख ही जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है हेडर फुटर जो, ठीक है। चलो भी अगला फीचर देखते हैं। अगला क्या है, अरे कहाँ चला गया ये, अच्छा एडिटिंग मोड में नहीं है। तो चलो आगे हम इंसर्ट में, आगे आगे का फीचर क्या है देखते हैं। यहाँ पे आगे का फीचर है फुटनोट एंड नोट। फुटनोट क्या कहलाता है, उसी पेज पर आएगा फुटनोट, उसी पेज पर आता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूपी लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जा करके हम फुटनोट लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे भी हमने यूपी ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश लिख दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा ना कि जब आप इस पर जाओगे ना, तो आपको लोकेशन देगा कि कहाँ पे है, लोकेट टू, ये इसी को लोकेट कर देगा। इसलिए यहाँ पे वन, यहाँ पे भी वन लिखा हुआ है। अगर मैं दूसरा मान लो ले लेता हूँ ट्रिपल सी, और इसका मैंने फुट नोट ही लगा दिया, इंड नोट लगा देता हूँ। चलो इंड नोट लगा दिया, ये अंतिम पेज पर जाएगा, ये पहले पेज पर नहीं रुकेगा, इंड नोट अंतिम पेज पर जाएगा। ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं वापस जहां पे थे हम वापस। तो ये ऊपर आ रहे हैं, कहां पे थे भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी। ये भी नहीं है, कहां लिखा था, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। ये है, इस वाले पेज पर लिखा था हमने, ठीक है ना, यहाँ पर पेज है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा था। अब फुटनोट तो इसी पेज पर है, लेकिन जो एंड नोट होगा वो लास्ट पेज पर चलाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल कर लो, मतलब तो देखो जैसे क्या है, सीखने का मतलब होता है कि थोड़ा सीखा, प्रैक्टिकल कर लिया, फिर पूरा वीडियो देखते हैं आगे। ये नहीं कि पूरा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकल करो, थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करते जाओ, क्योंकि तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो नेक्स्ट इसको भी दिखा देते हैं, लोकेशन गेट करा करके इसका। लोकेट एंड नोट, अंतिम पेज पर पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से हमने एंड नोट भी लगा लिया, तो फुट नोट एंड नोट हो गया है। ड्रॉप कैप आता है, ड्रॉप कैप देखो पैराग्राफ में कैसे लगता है, ड्रॉप कैप में पैराग्राफ ही लेकर तभी करा पाऊंगा। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ड्रॉप कैप ही लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं ड्रॉप कैप क्या करता हूँ कि एक मिनट अब आएगा, थोड़ा सा कंटेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं करूँगा ना तब तक क्या होगा, होगा नहीं कुछ। इधर तक यहाँ तक कॉपी कर लिया, और किसी ब्लैंक पेज पर जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तब समझ में आएगा। यहाँ पर अब इस वाले पेज पर ऐसे टिक कर देना, कोई सेलेक्ट नहीं करना है,
अब ड्रॉप कैप पर जब जाओगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप दिखने लग गया है। अभी ड्रॉप कैप नन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, इस पर क्लिक करो तो हट जाएगा, इस पर क्लिक करो तो ऐसा आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके का, थोड़ा बहुत साइज बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। हो तो ड्रॉप कैप आपको लेना है तो आप इससे ले सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। नेक्स्ट फीचर है ड्रॉप कैप के बाद में, यू आर नॉट छोड़ दीजिएगा जो है, डेट टाइम की कुछ जरूरत पड़ती है, वैसे कुछ खास हो सकता डेट टाइम की भी नहीं है, इसमें बस डेट टाइम आ जाएगा तो भैया ओके करोगे डेट टाइम आ जाएगा अपने आप से इस वाले में, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ डेट टाइम। डेट टाइम के बाद में नेक्स्ट फीचर आता है कौन सा भैया, हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक कैसे लगाएंगे, हाइपर लिंक पर क्लिक कर दिया। अब मान लो यहाँ पर आपको जो भी लिंक ओपन करना है उस लिंक को लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r-iti.com। आप लोग ये वेबसाइट का नाम इसको अपने दिमाग में याद कर लो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर r-iti लिख दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ से ये हमारे यहाँ पर एक लिंक के रूप में बन करके आ चुका है, ये हाइपर लिंक कहलाता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक रखोगे, देखो ये हाइपर लिंक आ गया, क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, सर्च करेगा और ओपन हो जाएगा अपने आप से। इस तरीके से ये खुल गया अपने आप से। तो अगर हम चाहे डायरेक्टली तो वहां से खोल सकते हैं इस जगह पर आने के लिए डायरेक्टली जो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से हाइपर लिंक की मदद से कोई पेज, कोई वेब पेज, कोई हम पिक्चर, कोई हम डॉक्यूमेंट जो भी ओपन करना चाहते हैं उसका लिंक लगाना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा, तो आप खोल ले जाएंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है ना तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से करिए, क्योंकि वीडियो भी काफी मेहनत से बनाना पड़ता है, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे जो है तो अच्छे से सीख नहीं पाओगे। बुकमार्क देखो कैसे बनता है, किसी भी पेज पर डायरेक्टली जंप करने के लिए होता है, यहाँ पे ये बुकमार्क लग गया, ठीक है ना, सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम बुकमार्क को यूज करना सीखेंगे आगे में, तो अभी छोड़ देते हैं इसको यहीं पे। इस तरह से बुकमार्क बस लगता केवल है, समझ लो। अटैचमेंट, जैसे कोई भी फाइल अगर आप यहीं पे अटैच करना चाह रहे हो तो अटैच कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैंने ये वाला पेज को यहाँ पे अटैच मार दिया, तो ये अटैच हो गया, यहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेज को अटैच कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखता हूं मैं। अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, ओपन हो गया दोबारा, ये खुल गया हमारा फाइल, ठीक है। अगला टूल कौन सा है, ये सब इतना आसान प्रैक्टिकल नहीं है कि आप ऐसे, मैंने जैसे बताया फट हो जाएगा, आप में दिक्कत भी आ सकती है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार ट्राई करिए। एक बार वीडियो देखकर नहीं आ पाया तो दोबारा ट्राई करिए, क्योंकि ये थोड़ा चीजें कठिन है। पोर्ट्रेट ब्लैंक पेज, ये हमने अभी ब्लैंक पेज ऊपर बताया था ना, वही है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा सीधा जो मैं लेता रहता हूँ, और लैंडस्केप का मतलब होता है कि ये आपको थोड़ा इस तरह से दिखेगा, ये देख रहे हो ना इस तरीके से। ऊपर वाला जो हमारा है वो लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट ये लैंडस्केप है, ये वाला पोर्ट्रेट है और ये वाला लैंडस्केप मोड में है, ठीक है। तो जैसा पेज जरूरत होता है वैसा लेना होता है। हालांकि जो फीचर है केवल मोबाइल में है, डेस्कटॉप पे नहीं है। पेज ब्रेक, यहीं से आप पेज ब्रेक कर सकते हो। जैसा मैं कहीं पे जाता हूँ पहले, तभी तो समझ में आएगा ये चीज। मान लो मैं यहाँ पे कर्सर रखा और पेज ब्रेक करूंगा तो जो नीचे वाले कंटेंट है वो अपने आप नए पेज पर चले जाएंगे। जो नीचे वाले पेज कंटेंट हमारे होंगे, देखिए अपने आप से उससे जंप कर दिया नीचे वाले पेज पर। तो जब भी इस तरह से जरूरत पड़ेगी आपको, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं आगे। तो अभी इंसर्ट का तो पूरा पूरा हो गया है, आगे व्यू टैब आता है, हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन लंबा वीडियो काफी हो गया है और काफी आप लोग, मुझे लग रहा है कि वो बोर भी हो जाएंगे अगर ज्यादा और करूंगा तो। तो अगर बोर आप लोग ना हो रहे हो तो मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं इतने पर रहता हूं। पहले आप इतना वीडियो देख लो, प्रैक्टिस कर लो। वीडियो काफी मेहनत से बनाई है हमने, तो आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर कोई और भी आपका दोस्त अगर आप पढ़ रहा है तो उसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ऐसे वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।